एक साल 10 महीने से मैं HHI को जी रही हूँ सही मायने में, क्योंकि जीना ही बहुत जरूरी होता है, जिएंगे तभी तो आपको समझ में आएगा। तो मैं जी रही हूँ और मैंने प्रोडक्ट भी लेना स्टार्ट किया था। जब मेरा स्टार्ट शुरुआत हुई थी तो मैंने प्रोडक्ट से स्टार्ट किया। पहले तो वैसे तो मैंने मेरी जो नेटवर्क मार्केटिंग की जर्नी थी वो 2012 से स्टार्ट हुई थी। जैसे कि हमें हमेशा कहा जाता है कि पहली जो भी आप नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में एंटर करते हो तो वो आपको बाय चांस मिलता है। तो बाय चांस मिलने के बाद 6-7 साल काम करने के बाद बहुत कुछ सीखा, जानकारी पता चली कि नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत क्या है, अगर इसमें हम काम करते हैं तो किस तरह से मकाम को हम हासिल कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे कोई भी एजुकेशन नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे कोई आपकी उम्र नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे कोई आपका एक्सपीरियंस नहीं पूछ रहा है, तो इससे बड़ा प्लेटफॉर्म कौन सा होगा जब अगर नारी की बात आती है। तो ये मुझे समझ में आया और इस 6-7 साल के बाद मैंने बहुत सारी कड़ी मेहनत की, बहुत सारा काम किया, लेकिन कुछ कहते ना कि ऊपर वाला भी बजा कर देखता है आपको कि आप डिजर्व पर्सन हो या नहीं। आपको लोगों को लगता है कि हमें शोहरत चाहिए, नाम चाहिए, फेम चाहिए, ये सब तो हमें चाहिए चाहिए, ठीक है, लेकिन उसके लिए आप क्या डिजर्व पर्सन हो तो वो देखना पड़ता है। तो ये सब करने के बाद सही टाइम आने का आपको वेट करना पड़ता है। तो वो कहते हैं ना कि राइट टाइम राइट वे में आपको प्लेटफॉर्म मिलना बहुत जरूरी है, और वो मुझे 4 मई 2021 को मिला। वो था हमारे अपनी कंपनी हैप्पी हेल्थ इंडिया HHI। तो ये प्लेटफॉर्म मुझे मिला और जिन लोगों ने इस प्लेटफॉर्म की मुझे पहचान करा दी उन सभी को मेरा शुक्रिया अदा धन्यवाद करना चाहूंगी। क्योंकि वो लोग तो आ गए, मुझे जिन सर ने बताया था वो प्लान सर ने मुझे 2 घंटे वो एक्सप्लेन कर रहे थे कि ये कैसे करना है, HHI ऐसी कंपनी है, ये है वो है, बहुत सारी बातें उन्होंने की थी। हालांकि मैं कुछ नेटवर्क मार्केटिंग को लेके, प्रोडक्ट्स को लेके, वेलनेस इंडस्ट्री को लेके थोड़ा सा नेगेटिव भी हो गई थी, कुछ बातें ऐसी थी। तो उस टाइम पे सर को मैंने सुना, मुझे तो HHI बहुत अच्छी तरह से उस 2 घंटे में समझ में आया, लेकिन शायद उनको ही समझ में नहीं आ गया तो वो छोड़ के चले गए। तो कुछ ऐसे ही 2-3 लोग थे जो मेरे साथ जुड़े और चले गए, ठीक है, कोई बात नहीं है। क्योंकि उनका कहते ना, उन्होंने क्या किया, उन्होंने तरीका नहीं बदला, खुद का इरादा बदल गया। अगर लोग इरादे बदलने लगे तो उनके साथ काम करने में मजा कुछ नहीं है, क्योंकि वो ऐसे ही इरादे बदलते रहेंगे, तरीके नहीं, वो खुद भी सफल नहीं हो पाएगा और मुझे भी सफल नहीं कर पाएंगे। तो मुझे इन लोगों से, इस लोगों के साथ जुड़ना था जो उनके इरादे नेक हो और ईमानदारी से काम करते हो। तो वैसे ही मुझे, जैसे बाय चॉइस हैप्पी हेल्थ इंडिया मैंने चूज किया, उसी तरह से मैंने अपने अपलाइन लीडर्स और मेरे स्पॉन्सर मिस्टर कृष्णा जाधव सर को मैंने भी चूज किया। क्योंकि जिन लोगों ने मुझे यहाँ तक लेके आया, जिस 6-7 साल की जर्नी में, मैंने नेटवर्क मार्केटिंग की जर्नी में भी जितना कुछ नहीं देखा होगा ना, उतना इस 1.5 साल में मैंने देखा है। बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, बहुत सारे लोगों ने नेगेटिव बातें कही, बहुत सारे लोगों ने कही, लेकिन मेरा इधर आना पक्का था। मेरे दिमाग और माइंड में यही सेट था कि मुझे हैप्पी हेल्थ इंडिया करना है, एनी हाउ एनी कंडीशन मुझे करना है। क्योंकि यहाँ पे अगर 850+ प्रोडक्ट है, रिजल्ट ओरिएंटेड है। हालांकि मैंने खुद पहले प्रोडक्ट यूज किया, मेरा सबसे वीक पॉइंट ये रहा कि HHI को शामिल करने में, HHI के साथ जुड़ने में, जीने में, तो वो था मेरा अपना खुद का रिजल्ट। मुझे हार्मोन्स इनबैलेंसिंग का प्रॉब्लम था, पिंपल्स प्रॉब्लम था, कई सालों से 10-15 साल से ये प्रॉब्लम मुझे स्टार्ट हुई थी। बहुत सारे होम रेमेडी से स्टार्ट किया और मैंने डर्मोलॉजिस्ट की, जो महीने का 5-6 हजार रुपए खर्चा करके मैंने बहुत कुछ किया, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा था। यहाँ से मैंने प्रोडक्ट स्टार्ट किया, शुरू किया, जो थे मेरे प्रोडक्ट था वो था ट्रस्ट ऑल इज वेल सिरप लेना स्टार्ट किया, तुलसी रस लेना स्टार्ट किया, और उसके बाद जो रिजल्ट्स आने लगे उससे मेरा कॉन्फिडेंस इतना बढ़िया बढ़ गया कि अगर मुझे रिजल्ट है तो हर इंसान को रिजल्ट तो आना ही आना है। तो उससे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता गया और मैं इससे जुड़ती गई और काम करते गई। और थैंक यू सो मच, फिर से मैं एक बार कहना चाहूंगी मेरे अपलाइन स्पॉन्सर मिस्टर कृष्णा जाधव सर, बहुत मेहनती इंसान है, बहुत सपोर्टिव है, वो सबको साथ लेके काम करने में बिलीव रखते हैं, और मेरी होल एंटायर टीम जिनके बदौलत मैं आज इस डाइस पे आपसे बात कर रही हूँ। क्योंकि वो, उन्होंने भरोसा रखा हमारे भरोसे के ऊपर कि आप HHI कर रहे हो तो हमें भी HHI करना है, तो उनका बिलीव स्ट्रांगली हो गया। क्योंकि क्या है ना, लोग आते हैं जाते हैं, 6 महीने के बाद छोड़ जाते हैं, वैसा तो बहुत सारा कुछ इस 1.5 साल में हो गया, बहुत सारे लोग ऐसे ही चले गए, अभी भी कॉल करते हैं दूसरों का, यहाँ जाना है, वहां जाना है, यहाँ वहां पे, सॉरी मैं एक वर्ड यूज करना चाहूंगी, यहाँ वहां जाके मुंह मारते रहते थे,
तो कुछ मिलता ही नहीं है। अगर इस इन लोगों के साथ आप खड़ा रहोगे तो आप कभी सक्सेस नहीं हो पाओगे। लेकिन यहाँ पे जितने भी लोग हैं, जैसे कि हमारे पवनदीप सर जी है, जितेंद्र प्रजापति सर जी है, देवेंद्र सैनी सर जी है, ये लोग यहाँ पे आके इनकी जो स्टार्ट जर्नी हुई थी, जो कहते ना वो आम आदमी थे, आम से खास हो गए हैं, और उनके वो गरीब घर से निकल के आज श्रीमंतपुर की ट्रेन पकड़ के आप उन्होंने वहां पे प्लेटफॉर्म हासिल किया है। तो अभी ऊपर से देखरेख कर रहे वो हेलीकॉप्टर रहता है ना उसे, कि अभी ट्रेन फिर से उन्होंने स्टार्ट की है हम लोगों को साथ लेके, कि अमीर तक अमीरपुर तक हमें पहुंचना है। तो वो ऊपर से देख रहे हैं कि कोई ऐसा ना हो कि गलत प्लेटफॉर्म पे लैंडिंग करे या गलत प्लेटफॉर्म पे उतरे। तो सिर्फ उन्होंने जो जर्नी स्टार्ट की, उन्होंने देखा कि बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे, बहुत सारे लोग आपको नेगेटिव करेंगे, ये होगा वो होगा, तो इनको सेफली वे अमीरपुर तक कैसे पहुंचा जाएगा। तो ये तो था, तो ये तो डिसाइड हो गया कि हमें ये करना है इसी तरह से, और इससे अच्छा बढ़िया प्लेटफॉर्म तो कोई नहीं है, तो हमें HHI ही करना है। और आई नारी की बात तो मल्टीटास्किंग है, हम तो सभी करते हैं। जैसे कि मैं हमेशा मेरे होम मीटिंग में ये बात कहती हूँ कि जब भी ज्यादा लेडीज की मौजूदगी वहां पे रहती है, तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि देखिए हम सभी का टैलेंट अलग अलग है, जो भी लेडीज है उसका सभी का टैलेंट अलग अलग है, लेकिन एक टैलेंट है जो कॉमन है, और वो टैलेंट है बोलना। अगर हम किसी भी, हमें अगर कोई टॉपिक दिया जाए ना, तो उस टॉपिक पे हम इतनी बातचीत करेंगे, दूसरों का फायदा करते रहेंगे और हम बोलते ही रहेंगे। तो आज तक हमने दूसरों का फायदा किया है, तो क्यों ना भाई वो ही बात जो भगवान ने हमें गिफ्ट दिया है बोलना, तो वो बोलने की बात अगर हम हमारे फायदे के लिए करें, ऑल इंटायर टीम के लिए करें, स्वार्थ और परमात्मा साथ के साथ करें, तो हम डेफिनेटली हम उस मकाम पे पहुंच जाएंगे। तो और जैसे कि कहते हैं ना कि इरादे अगर पक्के हो, जैसे कि हमारे मराठी में कहते हैं इरादा पक्का दे धक्का, तो आपका इरादा पक्का है ना, तो धक्का तो आपको खुद को ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि भीड़ इतनी है ना, कि नेगेटिव लोगों की भीड़ इतनी है कि अगर आप खुद को पुश नहीं करोगे ना, तो वो आपको पीछे ढकेल लेंगे। तो खुद को पुश करना है, इरादा पक्का है ना यहाँ पे, और यहाँ पे ठान लिया ना कि मुझे ओन एंड ऑन फॉरली ये चीज चाय ही करना है, तो कोई माइकल लाल नहीं है कि आपको इस सीढ़ी से नीचे उतरने देगा। तो थैंक यू सो मच, और मेरी टीम है, और उसी के साथ मैं तो ये काम तो कर रही हूँ। और दूसरी बात ये कि जैसे कि अभी जो टारगेट लगा हुआ है उसमें LED का अचीवर, मैं खुद LED अचीवर्स हूँ, मेरे टीम के 4 लोग LED अचीवर्स है, और आने वाले कुछ दिनों में जो कि अभी टाइम पीरियड है अचीवमेंट्स का, तो उसमें मेरे टीम से पूरे 4 लोग जो है अभी जी जान लगा रहे, 4 से 5 लोग की जो श्रीनगर ट्रिप के लिए आ रहे हैं। तो मैंने तो वो ट्रेन पकड़ ली है, मुझे तो पता है कि HHI ही करना है किसी भी हाल में, क्योंकि यहाँ जैसा प्लेटफॉर्म कहीं पे नहीं मिलने वाला है। और ये जो प्लेटफॉर्म है, जैसे कि प्रोडक्ट जो हमारे है कि एग्रीकल्चर से लेके रसोई घर तक, और यहाँ पे कोई कन्वेंस ही नहीं करना है भाई, हम जो खा रहे हैं वो जो कर रहे हैं वही तो लोगों को बोलना है, तो वही कर रहे में तो हम तो माहिर ही है, तो ये तो हमें करना है। जैसे कि आज का जो हमारा स्लोगन था ना मीटिंग का, कि आप की नारी बन गई है व्यापारी, करनी है बस थोड़ी सी तैयारी, ठीक है अब है नारी की बारी। तो सही इस मायने में अब है नारी की बारी, अभी नारी किसी हाल में पीछे नहीं है, तो मल्टीटास्किंग तो वो है ही है, और HHI जैसा प्लेटफॉर्म अगर उसको मिला है तो वो डेफिनेटली आगे जाएगी। तो थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया, और हमारे सबके लवली मेंटोर जितेंद्र प्रजापति सर, देवेंद्र सैनी सर, आपका बहुत सारा